हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2020 में जो पेपर लगाया केमिस्ट्री का, पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, सीपी व सीवी में संबंध स्थापित कीजिए। पहले में बी है, 2 मोल N2 को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 लीटर से 20 लीटर तक समान ताप पर प्रसारित कराया गया है, प्राप्त हुए अधिकतम कार्य की गणना कीजिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है सी, पहले का सी है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? इस प्रभाव की सहायता से स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कोष्टक टी की दर किस प्रकार याद की जा सकती है? अथवा में क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का अथवा में क्वेश्चन है। दूसरा, हेन्स के नियम की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे का पहला है, ए है, हेन्स के नियम की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे का बी है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एवं ऊष्मा उत्क्रमणी प्रक्रम को समझाइए। बी है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाइए। सी है एथेनॉल की मानक दहन ऊर्जा -1401.6 किलो जूल है, तथा CO2 व H2O की मानक संभव ऊर्जा क्रमशः -394.5 किलो जूल व -285.7 किलो जूल हो, तो एंथैल्पी की मानक संभवन ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊष्मागतिकीय साम्य व स्वतः परिवर्तन के बारे में समझाइए। पहला क्वेश्चन है, तीसरे में यह है, ऊष्मागतिकीय साम्य व स्वतः परिवर्तन के बारे में समझाइए। तीसरे का बी है, एंट्रोपी क्या है तथा ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी की व्याख्या कीजिए। सी है, ऊष्मागतिकीय तृतीय नियम की नियम को समझाइए या व्याख्या कीजिए। तीसरे के अथवा में है, चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का यह है कि के पी व के सी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। चौथे का ए है, के पी व के सी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट बी है स्रोत व सिंक के मध्य कार्यरत एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 0.527 है। यदि सिंक का ताप 25 डिग्री है तो स्रोत के ताप की गणना कीजिए। सी है, क्लासियस क्लेर फेरोन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी उपयोगिता के विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला है गिब्स प्रावस्था नियम को परिभाषित कीजिए। पांचवे का ए है, गिब्स प्रावस्था नियम को परिभाषित कीजिए। बी है, गलन क्रांतिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं? बी है, गलन क्रांतिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं? सी है, जल तंत्र के प्रावस्था चित्र को समझाइए। डी है, एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 का आचरण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अथवा में छठे का ए है, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए, राउट के नियम को समझाइए। छठे का ए है, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए, राउट के नियम को समझाइए। बी है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? बी है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? सी है, FeCl3
एच टू ओ तंत्र की प्रावस्था चित्र को समझाइए। सी है एफ ई सी एल थ्री एच टू ओ तंत्र की प्रावस्था चित्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला है ए है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है चालकता पर तनुता का प्रभाव, पहला है चालकता पर तनुता का प्रभाव, दूसरा है कोलराउस का नियम, दूसरा है कोलराउस का नियम, तीसरा है असामान्य अभिगमनांक, तीसरा है असामान्य अभिगमनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवें का, बी है 25 डिग्री सेल्सियस पर एस सी एल सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए तथा एन ए सी एल की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता लेमड़ा क्रमशः 426.1 व 91.0 और 126.45 ओम सेमी स्क्वायर मोल है हो तो एसिटिक अम्ल की लेमड़ा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अथवा में है, 8 का ए है अभिगमनांक को परिभाषित कीजिए। किसी आयन के अभिगमनांक के निर्धारण की चल सीमा विधि को समझाइए। आठवें का बी है चालकता मापन द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण। सी है, आठवें का सी है जल में एच प्लस वो व ओ एच माइनस की आयनिक चालकता उच्च होती है क्यों। नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का। नौवां है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। वन है गैल्विन सेल, दूसरा है नेनेस्ट समीकरण, तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, चौथा है ग्लास इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का ए है सांद्रता सेल क्या है। अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दसवें का बी है साक्ष संसारण क्या है। दसवें का बी है संसारण क्या है, संसारण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रेस करें बेल आइकन को और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।